जय भोले की, हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं आपको शिव की कृपा से उत्पन्न एकादशी के बारे में बताती हूँ। सुनिए, यह एकादशी माघ शीर्ष कृष्ण पक्ष के दिन मनाई जाती है। इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसी कारण इस दिन को उत्पन्न एकादशी कहा जाता है। इसी दिन स्वयं भगवान विष्णु ने माता एकादशी को आशीर्वाद के रूप में इस दिन को एक महान व्रत एवं पूजा का बताया था। प्रति माह दो एकादशी का महत्व पुराणों में निकलता है। सभी का फल एक समान एवं उत्तम होता है। माना जाता है कि उत्पन्न एकादशी का व्रत रखने से मानव जाति के पहले और वर्तमान दोनों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भक्तजन हर महीने आने वाली एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, वे लोग उत्पन्न एकादशी से ही कर सकते हैं। अब आप उत्पन्न एकादशी की व्रत कथा सुनिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाई। सतयुग के समय एक महान बलशाली राक्षस था जिसका नाम मुर था। उसने अपनी शक्ति से स्वर्ग लोक को जीत लिया था। उसके पराक्रम के आगे इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव कोई भी नहीं टिक पाए थे, जिस कारण उन सभी को जीवन यापन करने के लिए मृत्यु लोक में जाना पड़ा। हताश होकर इंद्रदेव कैलाश गए, अपने दुख और तकलीफों का वर्णन किया। उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें इस परेशानी से बाहर निकालें। भगवान शिव ने उन्हें विष्णु जी के पास जाने की सलाह दी। उनकी सलाह पर सभी देवता क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ पर विष्णु जी निंद्रा में थे। सभी ने इंतजार किया। कुछ समय बाद विष्णु जी के नेत्र खुले, तब सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। विष्णु जी ने उनसे क्षीर सागर आने का कारण पूछा। तब इंद्रदेव ने उन्हें विस्तार से बताया कि किस तरह मुर नामक राक्षस ने सभी देवताओं को मृत्यु लोक में जाने के लिए विवश कर दिया। सारा वृत्तांत सुन विष्णु जी ने कहा, ऐसा कौन बलशाली है जिसके सामने देवता भी नहीं टिक पाए। तब इंद्र ने राक्षस के बारे में विस्तार से बताया कि इस राक्षस का नाम मुर है, उसके पिता का नाम नाड़ीजंग है, यह है ब्रह्म वंशज है, उसकी नगरी का नाम चंद्रावती है। उसने अपने बल से सभी देवताओं को हरा दिया और उसका कार्य स्वयं करने लगा है। वही सूर्य है, वही मेघ है और वही हवा और वर्षा का जल है। भगवान उसे हरा कर हमारी रक्षा करें। पूरा वर्णन सुनने के बाद विष्णु जी ने इंद्र को आश्वासन दिया कि वो इन्हें इस विपत्ति से निकालेंगे। इस प्रकार विष्णु जी मुर दैत्य से युद्ध करने उसकी नगरी चंद्रावती जाते हैं। मुर और विष्णु जी के मध्य युद्ध आरंभ होता है। कई प्रचंड अस्त्र शस्त्र का प्रयोग भी किया जाता है, पर दोनों का बल एक समान था, एक दूसरे से टकरा रहे थे। कई दिनों बाद दोनों में मल युद्ध शुरू हो गया और दोनों लड़ते ही रहे। कई वर्ष बीत गए। भगवान विष्णु ने सभी राक्षसों को मार दिया और मुर राक्षस को मूर्छित किया। फिर भगवान विष्णु को निंद्रा आने लगी और वे बद्रिका आश्रम शयन करने के लिए हेमवंती नामक एक गुफा में चले गए। मुर भी उनके पीछे घुसा और शयन करते भगवान को देख मारने को हुआ। जैसे ही उसने अस्त्र उठाया, भगवान के अंदर से एक सुंदर कन्या निकली और उसने मुर से युद्ध किया। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ, जिससे मुर मूर्छित हो गया। बाद में उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उसके मरते ही दानव भाग गए। मुर राक्षस का अंत हुआ और देवता भी अपने अपने लोक चले गए। जब विष्णु जी की नींद टूटी तो उन्हें अचंभा सा लगा कि यह सब कैसे हुआ। तब कन्या ने उन्हें पूरा युद्ध विस्तार से बताया, जिसे जानकर विष्णु जी प्रसन्न हुए
और उन्होंने कन्या को वरदान मांगने के लिए कहा। तब कन्या ने भगवान से कहा, मुझे ऐसा वरदान दे कि अगर कोई मनुष्य मेरा उपवास करे तो उसके सारे पापों का नाश हो जाए और उसे विष्णु लोक मिले। तब भगवान विष्णु ने उस कन्या को एकादशी नाम दिया और कहा, इस व्रत के पालन से मनुष्य जाति के लोगों के पापों का नाश होगा। इस दिन तेरे और मेरे भक्त एक समान होंगे। यह व्रत मुझे सबसे प्रिय होगा, जिससे मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान चले जाते हैं और एकादशी का जन्म सफल हो जाता है। तभी से आज तक इस व्रत का पालन किया जाता है और इसे सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा जाता है। जो भी इस कथा को सुनेगा या कहेगा उसका भी भला होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय एकादशी माता की। जय मेरे भोलेनाथ, हर हर महादेव।